फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जाती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। अब इस ऐप में नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के साथ और डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल में ना छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये फैक्ट्री डेटा और रीसेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा और रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।